जनपद संबल पहुंचे सपा युवजन सभा के प्रदेश सचिव एवं जनपद के प्रभारी गौरव यादव, आज समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश सचिव संबल जिले के प्रभारी गौरव यादव समाजवादी युवजन सभा जनपद संबल की समीक्षा के लिए आए। इसी क्रम में भेजोई, समसोई तथा चंदोसी में समाजवादी युवजन सभा की बैठकें कर विधानसभा चुनाव 2022 के लिए एक बूथ 20 यूथ का नारा देते हुए तैयार रहने का आह्वान किया। समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश सचिव संबल जिला प्रभारी गौरव यादव का कार्यकर्ताओं ने जगह जगह फूल मालाओं से स्वागत किया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश प्रेमी के आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए गौरव यादव ने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा की जन विरोधी नीति से त्रस्त हो चुकी है। छात्र और नौजवान रोजगार के लिए परेशान है, किसान आत्महत्या के कगार पर है। ऐसे में नौजवानों की जिम्मेदारी है कि वे इस जन विरोधी सांप्रदायिक सरकार को उखाड़ फेंके और माननीय अखिलेश यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करें। आगामी विधानसभा चुनाव में संबल जिले की चारों विधानसभा सीट जीतने का नौजवान संकल्प लें और प्रत्येक बूथ पर 20 यूथ चुनाव की कमान को संभालें। किस प्रकार से पार्टी को मजबूत? जनपद संबल में पार्टी ने प्रदेश सचिव श्री गौरव यादव जी को यहाँ की समीक्षा संगठन विस्तार के लिए यहाँ भेजा है। वह कई दिन यहाँ पर रुकेंगे और संगठन के विस्तार के लिए काम कर रहे हैं। जहाँ कुछ समस्याएं हैं मिल बैठ कर हम लोग दूर कर रहे हैं और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जोड़ रहे हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी से कुछ लोग छोड़कर समाजवादी पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, बसपा छोड़कर ज्वाइन हुए हैं। इसी तरह हम पार्टी के में लोगों को जोड़ रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में युवाओं को जोड़ें। उसी क्रम में हमारे लिए प्रभारी बनाकर श्री गौरव यादव जी को प्रदेश सचिव जी हैं उन्हें भेजा गया है और वे लगातार जनपद में दौरे पर हैं। समाजवादी पार्टी की पूर्व की सरकार में काफ़ी युवाओं का साथ रहा था जी। अब आपको युवाओं के कमान सौंपी गई है तो अब युवाओं को आप कैसे साथ? देखिए, युवाओं के लिए सबसे पहले अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहली मीटिंग में सरकार बनने के बाद 10 लाख रोजगार देने का वादा किया है। सभी को उत्तर प्रदेश में क्या देश में पता है कि समाजवादी लोग जो वादा करते हैं उसे 100% निभाते हैं। तो कहीं भी युवा विचलित नहीं है और वह आशा भरी नज़रों से अखिलेश यादव जी की ओर देख रहा है कि 2022 में सरकार बनेगी और उन्हें रोजगार मिलेगा। समाजवादी पार्टी युवजन सभा के प्रदेश सचिव गौरव यादव का आगमन हुआ है, समीक्षा को लेकर क्या कहेंगे इसमें? हाँ, समाजवादी पार्टी के जो युवजन सभा के प्रदेश सचिव हैं गौरव यादव जी, संबल जिले के प्रभारी हैं, वो युवजन सभा की समीक्षा बैठक करने आए थे। उन्होंने आज बहजोई में, समसोई में, चंदोसी में, मेरे यहाँ भी उसी क्रम में आए थे कार्यकर्ताओं से बात करने। लगातार युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं और भाई सुनील यादव जो जिलाध्यक्ष हैं और गौरव यादव जी हैं, दोनों ने लगातार पूरे जिले में समीक्षा करने का काम किया और नौजवानों को जोड़ने का काम किया है। हम जानते हैं कि आगे आने वाले जो विधानसभा चुनाव है वो चुनाव की धुरी नौजवानों के हाथ में है और नौजवान इतना परेशान है सरकार से, केंद्र और प्रदेश की सरकार से, कि रोजगार हो चाहे छात्रों का मामला हो, बेइंतहा परेशान है। और इसी परेशानी को देख करके हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने पहली बैठक में कहा कि सरकार में आए तो पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। और वायदे बहुत किए लेकिन हम खासकर नौजवानों को, छात्रों को जोड़ना चाहते हैं क्योंकि उन्हीं के हाथ में बागडोर सौंपना चाहते हैं इस प्रदेश की, जिससे कि न्याय हो सके महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, अगड़ों के, पिछड़ों के, दलितों के, सबके साथ न्याय हो सके, नौजवानों को इसलिए निकालना चाहते हैं। और बखूबी भाई गौरव यादव जी जो प्रभारी हैं संबल के और सुनील यादव जी ये काम कर रहे हैं। आपका जिले में संबल जनपद में आगमन हुआ है, खबर मिली है कि आप समीक्षा करने आए हैं, तो क्या समीक्षा आपने की, क्या पाया आपने? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे संगठन विस्तार एवं समीक्षा करने के लिए जिला संबल का प्रभारी बनाया है, जो मैं पार्टी को मजबूत करने के लिए, यहाँ के युवाओं को जागरूक करने के लिए आया हूँ। ये मेरा मूल काम है। किन किन क्षेत्रों में आप गए आज? मैं आज क्या बोलते हैं, फतेहपुर समसोई, बहजोई, संबल, असमोली, चनोसी और क्या बोलते हैं गुन्नौर, सारी विधानसभा में मुझे पर डे जाना है। संगठन और मजबूत हो, इस स्तर पर आपके अब कितना काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? लोगों को जोड़ रहे हैं और पार्टियों से तमाम लोग आ रहे हैं, पार्टी में आस्था है, आज भी ज्वाइन किए हैं तमाम लोग हैं जो बसपा से और भाजपा से आ रहे हैं, इसके लिए मुझे खुशी है। एक दिवसीय आपकी समीक्षा है या लगातार रहेगी? मैं 4 दिन संबल के दौरे पे हूँ, बकाया वरिष्ठ नेता जो हमारे बैठे हुए हैं इन सभी का सहयोग है, आप लोगों का साथ है और
लगातार देखा जा रहा है कि अलग अलग जो समाजवादी की पार्टी के नेता हैं वो अलग अलग जो है मीटिंग कर रहे हैं और बैठक कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर, ऐसे में क्या कहेंगे? ये लोगों को जोड़ने का एक कदम है, एक तरीका है, जो मैं समझता हूँ कि इस पर हम लोग भारी मात्रा में काम कर रहे हैं और सफल भी होंगे। जो सपा के वरिष्ठ नेता हैं वो कहीं ना कहीं जो आगे हैं, प्रचार कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और जो अभी अभी कुछ लोग आए हुए हैं पार्टी में, वो कहीं ना कहीं विधायक सीट के मतलब दावेदारी बता रहे हैं कि हम यहाँ से जो टिकट मिल जाए, ऐसे में क्या कहेंगे? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सारे मामले हमारे पास नहीं है। इस मामले में जवाब जो जो आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे पार्टी के जिले के वरिष्ठ नेता हैं वो आपको सही से दे पाएंगे। मैं अपने संगठन का काम करने आया हूं, जो मैं आपके माध्यम से वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से पूरे संबल जनपद में अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो अखिलेश यादव जी हैं उनका जन्म मनाया गया, जन्मोत्सव मनाया गया, केक काटे गए, तो सब लोगों ने अपने अपने दावेदारी पेश की, अपने अपने खेमे में जाके केक काटा, इस पर क्या कहेंगे आप? जिला कार्यालय सहकर्ता, देखिए ये शुरू से होता आया है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो जन्मदिन है पूरे देश में हर कार्यकर्ता हर नेता जहां चाहे वहां मनाए, उसके लिए कोई समय सीमा या कोई बाउंडेशन नहीं। पार्टी हाई कमान से इस प्रकार का कोई दिशा निर्देश नहीं, कोई दिशा निर्देश नहीं है। ये अगर कर रहे हैं। हाँ, अगर ये आप लोगों के पास सूचना है तो ये केवल गलत है, ये अफवाह है, ये खुशी में कर रहे हैं।